दोस्तों आज जो 2018 में पॉलीटेक्निक के जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को हल करके दिखा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे पॉलीटेक्निक के इंट्रेंस में। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको स्क्रीन पे हम दिखाई दे रहे हैं, कह रहा है एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर सके। ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक है? तो देखिएगा इसको हल किया जाए। देखिए वो कह रहा है 616, कह रहा है 616 है और एक कह रहा है 32 है, ठीक है? स्तंभों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए स्तंभों की संख्या, अगर हम इनका लासा निकाल लें, इनका मास, या तो इनका मासा निकाल लें, दो विधि है सॉल्व करने की, या तो इनका लासा निकाल के मासा निकाल के इनका गुणा करके जो मासा है उनका भाग दे दिया जाए। तो एक ही विधि से देखेंगे, थोड़ा सरल भी हो जाएगा और थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। तो इनका हम लासा निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका, इनका सबसे पहले हम मासा निकालते हैं। चलिए मासा निकाल लेते हैं इनका, मासे वाली विधि से आपको हम पहले हम बता रहे हैं, इसका मासा निकाल लेते हैं। तो देखिए समझ, 616 का मासा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पहले इसके हम फैक्टर करते हैं। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 7 × 11, इसकी ये फैक्टर हो गए। 32 के फैक्टर कर लेते हैं इसकी, 32 से क्या हो जाएगी, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, मतलब 2 की पावर 5 आ गया, ठीक है? अब इसका हम मासा निकाल लेते हैं। देखिए जो हमारे पास कामन है वो हमारा मासा हो जाएगा, ठीक है? ये हमारे पास मासा आ गया, तो क्या हो गया, 2 × 2 × 2, इसका मतलब 2 × 4 × 8, मतलब इसका मतलब क्या है, अधिकतम संख्या क्या है, 8 है। मतलब कि जो सारणी, जो अधिकतम मार्च की संख्या होगी वो 8 होगी। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हुआ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रहा है, कह रहा है सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट में एक खेल के मैदान के किनारे बने वृत्ति पथ का एक चक्कर पूर्ण करने में लगाते हैं। यदि वे दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थिति में मिलेंगे, मतलब पुनः कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थिति में मिलेंगे। चलिए देखते हैं, करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार ही चला जाए, प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सबसे पहले सोनिया दिया है, देखते हैं सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा समय लिया गया है 18, ठीक है? 18 मिनट लिया गया है। और रवि द्वारा कितना समय लिया गया है, रवि द्वारा लिया गया समय, रवि द्वारा समय लिया गया है 12 मिनट, ठीक है? अब देखिए 12 मिनट लिया गया है, अगर इस ये है, अब इसको सॉल्व करना, मतलब दोनों एक कितने समय बाद एक समय मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद ये एक साथ मिलेंगे। देखिए इसका हम करते क्या है, लासा निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 18, ये हो गया 12। लासा निकालो सभी को आता होगा, हाई स्कूल से क्या 5-6 से पढ़ते चले आ रहे होंगे। लासा निकालने के सबसे पहले हम उस संख्या से भाग, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, और जो अंदर लासा जिसका लेना होता है अगर उससे 2 से भाग जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगली संख्या हम लोग ले सकते हैं। इसमें 2 से भाग जा रहा है, देखो ये हो जाएगा 2 × 18 × 2 = 12, अब भी 2 से जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 × 9 ये 1 हो गया, और जब तक भाग देते रहेंगे जब तक नीचे पूरा 1 ना आ जाए। अब ये 3 से जाएगा, ये अब देखिए हमारे पास क्या आया, 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 = 4, 3 × 12 = 12, 12 × 3 = 36, इसका मतलब 36 मिनट बाद वो एक साथ फिर से मिलेंगे, मतलब 36 मिनट बाद वो एक साथ फिर से मिलेंगे, ठीक है?
देखिएगा ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये देखिएगा ऑप्शन दे रहा है 36 मिनट, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं, ठीक है। -3 और 2 है शून्यांकों का योग और गुणनफल। तो अब देखिए आगे कह रहा है गुणनफल और योग -3 और 2 हैं, तो हमारे पास एक समीकरण होता है, हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं चरघातीय समीकरण, क्या होता है ax² + bx + c = 0 होता है। और एक चीज़ और, हम लोगों ने शुरुआत भी पढ़े थे α+β मतलब चर घातांकों का जोड़ हमारे पास होता है b/a और इनका गुणनफल होता है α×β होता है c/a, ठीक है ये होता है। तो उसने कहा क्या, देखो उसने कहा भी है कि इनका चर घातांकों का योग ये हमारे पास -3 है और इनका गुणनफल क्या कह रहा है, कह रहा है 2 है। अगर हम इसकी तुलना इससे करवा लें और इसकी तुलना इससे करवा लें तो हमारा यहाँ कुछ ना कुछ अल्फा बीटा का मान ए व बी की मान हमको मिल सकते हैं। देखिए हम इसकी तुलना करवाए ले रहे हैं तो बराबर हम इसको b/a, ये माइनस पे चलता है -b/a, इसको c/a लिखे ले रहे हैं, इसका हम त्रिज्या गुणा करा लें तो हमारे पास b = 3a और हमारे पास c = 2a आ जाएगा, ये हमारे पास 2a आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर अब हमारे पास यहाँ पे a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर हमारे पास 3 और c बराबर हमारे पास 2 हो गया, ठीक है ये हो गया। अगर हम यही मान, ये जो मान है इस समीकरण, इसको हम 1 मान लें और इस समीकरण में रख दें तो हमारा वो समीकरण मिल जाएगा। तो हम रख देते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, एक से ठीक है, एक से ये मान रख लेते हैं। देखिए x का मान, अगर हम a का मान रखें तो ये हो जाएगा x², b का मान रखें तो ये हो जाएगा 3x, c का मान रखें +2 = 0, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा हमारा सही दिखा रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं उसमें कौन सा सही है। देखिए हमारा ऑप्शन दे रहा है, आंसर दे रहा है x² a नंबर सही है, देखिए इसका a नंबर सही है जो अपने आया है, ये दे रहा है a नंबर सही, x² + 3x + 2 = 0, तो a नंबर हमारा इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या है, कह रहा है एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो भाग की लंबाई पूछ रहा है। बहु गौर से सवाल को देखिएगा, अगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसी से आप पास हो जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि कभी कभी होता क्या है कि पेपर पलट जाते हैं, उसके क्वेश्चन कुछ ना कुछ पलट जाते हैं, तो हम ये ज़रूर कहेंगे गौर से देखिएगा आप समझिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखिएगा मतलब उसने लंबाई और चौड़ाई के बारे में कुछ बताया नहीं है, ना हमको ज्ञान दिया है क्या लंबाई है क्या चौड़ाई है, लेकिन बस कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं, माना माना लंबाई बराबर मानते हैं L और चौड़ाई बराबर मान लेते हैं हम B मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका परिमाप, बाघ का परिमाप मतलब परिमाप का उसे फार्मूला क्या होता है, 2 होता है और लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, क्योंकि अब कह रहा है अर्ध परिमाप, तो इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, अर्ध परिमाप ये तो पूरा है, इसका अर्ध निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा L + b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अर्ध परिमाप ये हो गया, अब वो कह रहा है कि लंबाई का 4 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी मतलब चौड़ाई की 4 गुनी मतलब ये लंबाई की 4 गुनी है ये है, तो इसका मतलब हमारे पास b+4 होना चाहिए, इसकी 4 गुनी हो जाएगी लंबाई की, ये चौड़ाई है कि नहीं है, तो चौड़ाई हमारी b है, तो अगर हम इसको क्या अर्ध परिमाप हमारा दिया है 36 कह रहा है, तो ये 36 हो गया। अगर लंबाई की जगह हम इसको लिख लें, अगर हम इसको बराबर कर लें l/b कर लें, तो हम इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, तो देखिए हमने इसको लिखा b+4 + b,
ठीक है, हम इसको चार को इधर लाइए, हमारा टू बी हो गया, तो ये हो गया हमारा 32 बराबर, ये हो गया टू बी हो गया, तो हमारे पास बी बराबर क्या आ गया, 16 आ गया। अब देखो ये हमारी निकली क्या है, ये हमारी चौड़ाई निकली, और पूछ क्या रहा, बाघ की लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई ये चार गुनी है, इसकी चार गुनी है, तो अगर हम इसमें चार जोड़ दें हमारी लंबाई आ जाएगा, तो लंबाई बराबर 16 प्लस 4 तो बराबर 20, इसका मतलब 20 मीटर ये लंबाई है। अब देखते हैं आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये देखिए ए नंबर आंसर दे रहा, तो इसका मतलब ए नंबर इसका सही है, तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन का ए सही है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, जब पांचवा नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए पांचवा नंबर कह रहा है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क है जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, में से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, तो आयताकार पार्क की लंबाई पूछा। देखिए इसमें ये आपका इसमें फिगर दिया है, फिगर भी उसने आपको दे दिया है, तो हम इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए आपके सामने ये फिगर है, ठीक है, अब चलते हैं। अब हमको पता तो कुछ है नहीं, बस उसने कहा है चौड़ाई की लंबाई 3 गुनी कम है, ठीक है, अधिक है, तो चलिए हम उसको देखते हैं क्या है क्या ये, ठीक है। तो चलिए पहले हम तो मान लेते हैं, माना माना पार्क की चौड़ाई बराबर एक्स, लंबाई कह रहा 3 कम है, इससे 3 कम है, तो ये एक्स प्लस 3, ठीक है, 3 कम है तो हमने इसमें जोड़ दिया, तो इसकी लंबाई बराबर हो गई है, हमें एक्स पता चल जाएगा तो इसकी भी लंबाई पता चल जाएगी। और आयताकार, अब देखिए जब हमने इसकी चौड़ाई मानी, चौड़ाई हमारे पास ये एक्स हो गया, तो हमारे समद्विबाहु की जो ये वाली भुजा है सी डी, ये भी हमारी एक्स हो जाएगी, ठीक है, और लंबाई अब हमारे पास एक्स प्लस 3 आ गया, मतलब ये हमारे पास एक्स प्लस 3 आ गया है, और इसको वो पहले दे रखा है कि 12 है ये, इसको ये पहले दे रखा है कि 12 मीटर है, ठीक है। अब देखिए सारी चीज़ें हमारे पास हैं, अब पार्क का क्षेत्रफल हम इसको निकाल लें, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया। अब देखिए हमारे पास ये क्षेत्रफल आ गया इसका, ठीक है, अब जब क्षेत्रफल आ गया है इसके आगे निकाल लेते हैं। देखिए अब इसका जो समद्विबाहु उसने पूछा है ना, तो लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, देखो आधार हमारा ये है बराबर एक्स, और इसी का क्षेत्रफल फिर, तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुणते क्या होता है ऊंचाई, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा 1/2, आधार हमारे पास है एक्स, ऊंचाई हमारे पास है 12, ये 6 हो गया, तो हमारे पास आ गया 6x आ गया। अब प्रश्नानुसार चलेंगे क्योंकि भाई उसकी हमको लंबाई निकालनी है, तो अब प्रश्नानुसार हम चलते हैं, प्रश्नानुसार तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये देखिए ये हमारे पास है क्षेत्रफल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, अब ये क्योंकि इसमें भी हमारा उसने कहा है कितना कम है, ये हो जाएगा 6x प्लस 4, ठीक है, 6x प्लस 4 हो गया। अब देखिए आगे, देखिए देखिए ये आया था हमारे पास, ठीक है, जब ये आया है हमारे पास, ये आया है, अब इसको हम सॉल्व कर लें, ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3x बच जाएगा, और ये भी हमारा इधर ही आएगा, तो माइनस का ये 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये तो हमारे पास एक समीकरण मिल गया, अब इस समीकरण को हमको हल करना है, तो इसके फैक्टर तो हो नहीं पा रहे, तो
तो एक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों जिस फार्मूलों की बताइएगा ये कौन सा फार्मूला है, ठीक है, इसको कौन सा फार्मूला कहते हैं, जरा हमको कमेंट्स करके बताइएगा जरूर, हमें भी पता चले। अब मान रख लिया जाए तो माइनस थ्री और माइनस बी तो प्लस हो गया, तो प्लस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट जब मान रखेंगे इसका ये हो जाएगा 9 प्लस स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 1 × 4 बटे 2 हो जाएगा। तो ये एक बार प्लस में मान रख लो, एक बार माइनस में मान रख लो, ठीक है, तो अपना मान आ ही जाएगा। तो ये हमारे पास इसको x बराबर लेके चलिएगा तो ठीक रहेगा, एक बार प्लस में एक माइनस में, तो x बराबर एक आ जाएगा माइनस वन और एक आ जाएगा x बराबर 4, क्योंकि लंबाई चौड़ा लंबे जो हमारी चौड़ाई होती है, लंबाई जो हमारी है ये लंबाई तो है, चौड़ाई चौड़ाई कभी भी हमारी माइनस नहीं होती है, ठीक है। तो इस पद का हमारा कोई मतलब नहीं, तो x बराबर हमारे पास 4 मीटर आ गया, क्योंकि चौड़ाई हमेशा प्लस मिली जाती है। तो देखते हैं ये आंसर दिया है कि नहीं दिया है, ये देखिए 4 मीटर दे रहा है, मतलब आयताकार पार की लंबाई जो निकली हमारी 4 मीटर वो आ गई, ठीक है, बी नंबर इसका सही है। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति है, मतलब मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए हमारे पास समीकरण तो दिया है, उसने कहा है 2x² - 4x + 3 = 0 उसने कहा है। हमारे पास एक और समीकरण होता है चर घात का समीकरण, तो होता है ax² + bx + c = 0। अगर हम इसकी तुलना इससे कर लें तो हमारे पास a = 2 हो जाएगा, b - 4 हो जाएगा और c = 3 हो जाएगा, ठीक है, हमने इससे तुलना कर ली। तुलना करने के बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है इसको सॉल्व करने का, वो फार्मूला होता है b² मतलब d बराबर होता है b² - 4ac होता है। अब ये सारे मान हम रख लें, देखिए b² मतलब 4 × 16 हो गया बराबर 4 × a = 2 हो गया × c = हमारे पास 3 हो गया। तो ये आ गया 16 + 4 × 8 24 और ये 24 हमारा क्या है माइनस है, ठीक है, ये आ गया माइनस या माइनस लगा है, ये हो गया 16 - 24 ये हमारा घट जाएगा तो कितना आ जाएगा -8। इसका मतलब हमारे पास -8 आया है। अब देखिए एक चीज़ और भी है इसमें, जब हमारा डी जब ऐसा है मतलब 0 से d बड़ा है, ठीक है, तब ये हमारा वास्तविक होगा। अगर डी छोटा है तो हमारा काल्पनिक होगा, अगर डी बराबर है तो समान होगा। इसका मतलब हमारा ये निकला है, इसका मतलब ये काल्पनिक है, काल्पनिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला दी हुई है 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है, ठीक है, कौन सा पद -81 है। चलिए देखते हैं इसको भी, तो देखिए हमारे पास क्या है, जब हम नहीं, ये क्वेश्चन एक छूट गया। देखिए क्वेश्चन ये है दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित, ये क्वेश्चन छूटा जा रहा था उसके नीचे है फिर ये। तो ये देखिए क्वेश्चन अगर हमारे पास दिया है तो 3 अंकों से 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों जो शुरुआत होगी 10 से शुरुआत होगी कहाँ तक जाएगी 99 तक जाएंगे, ठीक है, और इसके बीच जो इनसे विभाजित होंगी वो होगी 12, 15 99, ठीक है। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये समांतर श्रेणी हमारी बनती है, ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी बनती है तो अब हमको मान क्या चाहिए। देखिए अगर हम a बराबर मतलब फर्स्ट पद, a को हम फर्स्ट पद मानते तो हमारे पास ये 12 हो गया, ठीक है, a फर्स्ट पद, और l बराबर हमको लास्ट पद मानते, लास्ट पद हमारे पास 99 हो गया। अगर d को हम मानते हैं कि दूरी डिस्टेंस, मतलब ये हमारा पहला पद है, ये हमारा आखिरी पद है और ये हमारा दूरी है बीच की,
ठीक है, अगर दूरी देख ले इनकी इनकी बीच की दूरी हमारे पास कितनी है, 3 है, ये 3 हो गया। ठीक है, अब हम इसको रख के निकाल लें, तो इसके रखने के निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। एल का मान हमारे पास 99 और ए का मान हमारे पास 12 प्लस एन माइनस वन डी का मान है हमारे पास 3। 12 को इधर ले आओ तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 87 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू थ्री। 3 को इधर भेज दो, जब 3 इधर जाएगा तो देखिए 3 ये हमारा बटे में जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 9 27, तो 29 आ जाएगा। तो 29 एन माइनस वन, 1 को इधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 बराबर एन। तो इसका मतलब हमारे पास जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी 30, मतलब कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 30, मतलब 3 से विभाजित है, मतलब 30 संख्याएं 3 से विभाजित है। और ये देखिए इसमें ऑप्शन दे रहा है बी नंबर, तो हमारा ये बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला दी है, श्रृंखला दी हुई है 21 18 15 का कौन सा पद 81वां है। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसको भी देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। अब देखिए श्रृंखला हमारे पास दी हुई है 21 18 15 डॉट 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 माइनस 81। ठीक है, ये हमारे पास दी हुई है। अब देखिए सेम जैसे हम अभी ऊपर वाला लगा के आए हैं वैसे हमारा ए भी लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम। तो देखिए यहाँ हमारे पास ए बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास ए बराबर हो जाएगा 21, मतलब फर्स्ट पद। ठीक है, और एल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, लास्ट पद। तो एल बराबर माइनस 81 दिया हुआ है। ठीक है, और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हमारे, क्योंकि अब देखिए माइनस चल रहा है तो इसका अंतर भी माइनस पे चलेगा। ठीक है, तो अंतर हमारे माइनस का 3 हो जाएगी। ये ध्यान देना, अगर 81 दिया होता तो यहाँ पे हमारा डी का अंतर होता 3, और यहाँ माइनस कह रहा तो इसका मतलब कि हमारा माइनस पे चल रहा, तो माइनस ही हमारा 3 आएगा अंतर इसका। ठीक है, तभी तो हम अंतर निकाल पाएंगे। ठीक, अगर हम प्लस करके निकालेंगे तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिए ये हमारे पास हो गया फार्मूला, हमारे पास सेम वही है। देखिए एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एल का मान है माइनस 81, ए का मान हमारे पास है 21 और एन माइनस वन 81 और माइनस 21 बटे 3 बराबर एन माइनस वन, इसको जोड़ लेना, ये हो जाए कितना, 2 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 102, 102 बटे हमारा माइनस 3 माइनस का बराबर एन माइनस वन। ठीक है, इसको काटिएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 और 1 3 4 12, ये हो गया 12 हमारे पास, और एन माइनस वन, 1 को इधर भेज दो तो एन बराबर हमारे पास 35 आ जाएगा। इसका मतलब और हमारा जो संख्या दे रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा था मतलब कौन सा पद है, तो ये हमारा 35वां पद है। इसका मतलब हमारे पास डी ऑप्शन सही है, 35वां पद है, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और कह रहा है, इधर ये कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, तो लिखते हैं प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। ठीक है, 1000 धन पूर्णांकों का योग, तो क्या होता है योग, ये होगा हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन बराबर, ये होगा एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको लेके चले, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1000। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1000, ये हमारा 1000 प्लस 1000 प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 500 प्लस 500 इंटू में आएगा, देखिए ये गुणा है तो इंटू में आएगा, इंटू 1001, इसका गुणा कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 500 500,
ठीक है, तो ये हमारा इसका योग होगा। देखते हैं इसका आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए इसका आंसर ये दे रहा है, सी नंबर दे रहा है, तो सी नंबर हमारा सही है। तो मतलब सी ऑप्शन सही है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।